भाई मुझे मिल गई एक सक्की लुगाई। उसकी सक्की सीमा इतनी पार हो गई कि मुझ पे सख ही करती रहती थी। मैं उसे तंग आके घर ही छोड़ दिया, आश्रम में रहने लग गया, भक्ति में लीन हो गया, भगवान को पूजने लग गया। पर एक दिन वो मेरे पास आके बोली, हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, अब तू अप्सराओं के चक्कर में पड़ गया। अब आप ही बताओ, मैं मर गया तो वो यही बोलेगी ना, साला अप्सराओं के पास चला गया, क्या करूं। सुनो, तुम्हारे भाई ने फिर से मेरे जेब में से पैसे निकाल लिए। अरे आप ऐसे वैसे दे सकते हो सकता है मैंने निकाले हो। नहीं नहीं, आप निकाल ही नहीं सकते। देखिए 500 रुपए तो जेब में छूट गए। आप तो निकालते हो तो पूरा खाली कर देते हो ना। राज, पता है मैं अभी ना अपनी नई वाली कार लेते बाहर घूमने के लिए गई थी। क्यों? बढ़िया है, मस्त। अरे चेक कर रही थी, फिर व्हील अलाइनमेंट, उसमें ब्रेक वगैरह कैसे हैं, बढ़िया अच्छी है। अच्छा, लाइटिंग कैसी है? अरे लाइटिंग का तो पूछो ही मत, इतनी मस्त लाइटिंग जब चमकती है ना तो मतलब कोई भी फिदा हो जाए, इतनी बढ़िया लाइटिंग हो गया। मतलब हाईवे पे जब चलती है तब। पर पता है उसे सबसे अच्छी बात कौन सी थी? उसने एयरबैग्स यू खुलते। एक मिनट, इधर आओ। एक्सीडेंट किया, ठोक दी गाड़ी, गाड़ी ठोक दी, तूने नई गाड़ी को ठोक दिया, सत्यानाश कर दिया। बेबी सुनो ना, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, मुझे 100 रुपए दे दो ना। अरे मेरे पास पैसे नहीं है यार। अरे यार दे दो ना यार, ऐसे क्या करते हो, 100 रुपए की तो बात है यार। अरे आपको मेरे पे विश्वास नहीं है, जाओ आप मेरा पर्स चेक कर लो बस। अरे यार यार सही में तो इसके पर्स में पैसे नहीं है यार। अब एक काम करता हूँ, मैं इसमें पैसे रख देता हूँ। अरे यार क्या ऐसी बात बना रहे हो यार, आपके पर्स में कितने पैसे पड़े हैं? अरे तो ये मेरे पैसे हैं, मेरे तो सामान लाने लिए रखे थे, जाओ यहाँ से। अरे पर वो मेरे पैसे थे, पैसे शादीशुदा आदमी कभी भी अपनी बीवी का हाल चाल नहीं पूछेगा, परंतु उसको दूसरे की बीवियों की बहुत चिंता होगी। और भाभी जी बताओ हाल चाल कैसे हैं? बेबी आपने बोला थप्पड़ मार के मुझे अच्छा नहीं दिया, अब मैं मेरे घर जा रही हूँ, वापिस ही नहीं आऊंगी कभी भी। बेबी मेरी सैलरी आ गई है। Hey! इस बार में 2-2 साड़ियां लूंगी, ठीक है? लाओ पैसे लाओ। इसमें